प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रॉपर्टी डीलर से जेल में बंद कुख्यात अपराधी चंदन सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को पिपराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर में बोर्ड परीक्षा का सीसीटीवी के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों का किया जा रहा है निगरानी। जिलाधिकारी ने कहा उड़नदस्ता भ्रमणशील रहकर सभी परीक्षा केंद्रों की कर रहे हैं निगरानी। शास्त्री चौक पर क्राइस्ट चर्च के सामने बने दुकानों के ऊपर बिना परमिशन के 46 दुकानें बनाए जाने पर जीडीए के द्वारा चलाया गया बुलडोजर। क्राइस्ट चर्च के फादर ने कहा दुकानों के नक्शे को पास करने के लिए जीडीए को रुपए देने में चर्च है असमर्थ। विश्व क्षय रोग दिवस पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में टीबी बैक्टीरिया की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट काक की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। टीबी उन्मूलन की दिलाई शपथ। जन जागरूकता के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा 2025 तक टीबी मुक्त करना है जनपद। चुनाव के दौरान जमा कराए गए असलहों को जिले के कुछ दुकानदार बगैर किसी आदेश के कर रहे हैं रिलीज। जबकि विधान परिषद चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता अभी भी है लागू। 12 अप्रैल के बाद ही हो सकेगा इस संबंध में आदेश निर्गत। जिले के बैंकरों की बैठक सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। शासन के द्वारा चल रही योजनाओं को नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए सभी बैंकों को दिए निर्देश। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अंशुमान सिंह ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम व परीक्षा कक्ष का किया निरीक्षण। कहा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है मॉनिटरिंग। सकुशल संपन्न करवाया जाएगा बोर्ड एग्जाम। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दो बच्चों को लिया गोद। कहा आम लोग भी टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए आए आगे ताकि 2025 तक जनपद हो सके टीबी मुक्त। गोरखपुर में 199 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो रहा है बोर्ड परीक्षा। अयोध्या दास राजकीय इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्राओं ने कहा जो पढ़ा था वही आया पेपर। शासन को दिया धन्यवाद। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने टीबी बीमारी से ग्रसित एक 12 साल की बच्ची को लिया गोद। कहा प्रयास रहेगा कि 6 महीने के अंदर ही यह बच्ची पूरी तरह से हो जाए स्वस्थ। पुलिस लाइन ने पुलिसकर्मियों को श्री अरोबिंदो योग प्रशिक्षण द्वारा समग्र योग की दी गई ट्रेनिंग। पुलिसकर्मियों को प्रोफेशनल वर्क के साथ में पर्सनल जीवन को बैलेंस करने की दी गई जानकारी। पूर्वोत्तर रेलवे बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज के अभिभावकों ने रेल प्रशासन द्वारा विद्यालय बंद किए जाने पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। विद्यालय के बंदी के फैसले पर रोक लगाने की मांग। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं पाए गए कोई भी नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई मात्र 25। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और विश्व क्षय रोग दिवस पर क्षय रोग समाज में एक समस्या थी और एक समस्या है विषयक वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा उन्होंने 7 बच्चों को लिया है गोद। सभी की समस्याओं का होगा निवारण।